गुड मॉर्निंग। सो आज हम जा रहे हैं किन्नर कैलाश, जहाँ मुझे काफ़ी टाइम से जाना था और फाइनली आज हम आज हम जाएंगे गणेश पार्क तक। और मेरे साथ और भी लोग हैं, आपको मैं मिलाता हूँ उनसे। तो अभी मैं जा रहा हूँ क्वारी विलेज, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर दूर है, और हमारा ट्रैक भी उसी विलेज से स्टार्ट होगा। और अभी मैं हूँ साहिल भाई और उनकी वाइफ और निखिल भैया के साथ, वो हमें पुआरी ब्रिज तक ड्रॉप करेंगे और वहाँ से मैं ज्वाइन करूँगा निखिल भैया के कुछ दोस्तों को और फिर शुरू होगा हमारा ट्रैक। और आज का ट्रैक काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि हम में से कोई भी पहले कभी किन्नर कैलाश नहीं गया है। और घर से 30 किलोमीटर बाद आता है स्पिलो विलेज, जहाँ से हम ट्रैक के लिए थोड़ा सामान लेते हैं और साथ में हम यहाँ ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि हम अब आगे कहीं नहीं रुकने वाले। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है भैया के साथ और साहिल भाई के साथ। चलो बिजी वॉशिंग हैंड्स मशीन ऑन। बस हमने सामान ले लिया है, नाउ वी आर रेडी टू गो। और स्पिलो से 40 मिनट्स की ड्राइव के बाद हम पहुंच जाते हैं क्वारी विलेज के स्टार्टिंग पॉइंट में और इस ब्रिज के पास, जहां से हम जाएंगे बाइक स्पेस। यहां से बाइक ऊपर तक जाएंगे एंड देन स्टार्ट आवर ट्रैक। रियली एक्साइटेड कि हम इतने टाइम बाद जा रहे हैं। सेल्वे को बाय बोलेंगे अभी। तो दोस्तों, किन्नर कैलाश की वादियों में हम पहुंच चुके हैं एंड ये हमें यहाँ से थोड़ा सामान ले जाना है अपने दोस्त के लिए, तो बस उसका वेट कर रहे हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू। अगर आप कभी यहाँ आए तो यहाँ पे एक अंकल का घर है, अगर आपको कुछ चाहिए सामान तो ही कैन हेल्प यू। एंड यहाँ से सामान लेके सीधा जाएंगे हम अब किन्नर कैलाश की गणेश पार्क की तरफ। या अभी तक सब सही जा रहा है, आई होप आगे की जर्नी हमारी सेफ रहे और इस बार भोलेनाथ का बुलावा है तो हम ज़रूर पहुँचेंगे, आई बिलीव दैट। एंड सी यू गाइस ऑन द ट्रैक नाउ, क्योंकि यहाँ से ऊपर हमें बाइक्स पे जाना है और उसके बाद से ट्रैक शुरू, तो मिलते हैं आपको ऊपर ट्रैक पे सीधा। तो अब हम पहुँच चुके हैं पुआरी, नाउ वी आर गोइंग टू द कौन सी जगह है लेकिन अभी पहुंच के बताएंगे। सर पुलिस से दिया है ऑलमोस्ट 20 मिनट्स की राइड के बाद हम पहुंच जाते हैं किन्नर कैलाश के स्टार्टिंग पॉइंट में और यहां से हम ज्वाइन करेंगे अपने कुछ दोस्तों को जो हमारे यहां पहले से ही वेट कर रहे हैं। और भैया सारे कुल्लू से हैं। अब स्टार्ट होगा हमारा ट्रैक यहां से। एंड द व्यू फ्रॉम हियर इज जस्ट टू डैम अमेजिंग। और अब शुरू होती है हमारी असली यात्रा और महादेव का नाम लेके हम चल पड़ते हैं महादेव से मिलने। स्टार्टेड आवर ट्रैक एंड साथ में मेरे भाई लोग कुल्लू से। तो गाइस फर्स्ट स्टेच ही काफ़ी स्टीप था, जितना सोचा था उससे ज़्यादा, क्योंकि स्वर्ग का रास्ता कहाँ आसान होता। और हम जा रहे हैं चलने के चरणों में फाइनली। आई एम हैविंग फन, द ट्रेन्स आर ऑल्सो गुड,
इतना डिफिकल्टी लेवल अभी ज़्यादा है नहीं। इन खूबसूरत रास्तों को पार करके अब हमें उतरना है एक सुंदर से वाटरफॉल के पास। वहां से हमारी चढ़ाई शुरू होगी गणेश पार्क के लिए। काफ़ी देर इस झरने को दूर से निहारने के बाद हम चल पड़ते हैं उस झरने की तरफ, क्योंकि वहीं से गणेश पार्क के लिए चढ़ाई शुरू होती है। तो चलते हैं वहाँ। तो हम वहाँ ऊपर से उतर के आ रहे हैं गाइस, और इस धार को क्रॉस करके नाउ वी हैव टू क्लाइम फ्रॉम हियर आई थिंक। बट देयर इज अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल, आई विल शो यू। यहाँ से व्यू इतना अच्छा नहीं आ रहा, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। एंड ये पानी दीवारों के बीच से निकल रहा है। एंड हाँ, काफ़ी देर इस झरने के पास फोटोज क्लिक करने के बाद हम चल पड़ते हैं गणेश पार्क। गाइस, इतना रिस्की पैच चढ़ के आ रहा हूँ। कुछ पॉइंट्स है काफ़ी रिस्की, क्योंकि अगर आप यहाँ से गिरते हो तो भाई खाई में जाओगे सीधा। तभी मैं थोड़ा शूट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे ज़्यादा, सेफ्टी फर्स्ट यू नो। अगर आप माउंटेंस पे आ रहे हो, हमेशा अपनी सेफ्टी फर्स्ट, देन तभी आप किसी को सेव कर पाओगे। बाकी चलते हैं, जय भोलेनाथ। और अपने भाई लोग चले हैं आगे आगे। अभी हम शायद उस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। दो रास्ते मिलते हैं यहाँ पे, आई शो यू। दिस वन इज कमिंग फ्रॉम तंगलिंग आई थिंक, एंड दिस वन इज कमिंग फ्रॉम वारी, एंड दैट्स हाउ द ट्रेल लुक्स। आप लोग कहाँ से? हरियाणा से। अभी ऊपर से आ रहे हो? नहीं, ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, फिर तो साथ में चलेंगे। एक डेढ़ घंटा पहले तो चले, बस हम नीचे से चले बस यहाँ पे। अच्छा, एक डेढ़ घंटा पहले चल रहे हैं, हमें तो काफी टाइम लग गया फिर तो। और यात्रा पे हमें जितने भी यात्री मिलते हैं उनसे मिलके ऐसा लगता है कि वो अनजान ही नहीं है। आओ चने खाओ, घोड़े जरा दौड़ो फिर। पक्का मेरा बाप ने चलता नहीं, पक्का बनवा देता है बाप। और सभी यात्री एक दूसरे को भोले बोल कर बुलाते हैं, क्योंकि यात्रियों का मानना है कि जो भी भोलेनाथ से मिलने जा रहे हैं वो सब भोले ही हैं।
और थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद हम अपना ट्रैक कंटिन्यू करते हैं। और चढ़ाई तो मानो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन हम जब भी मुड़कर ये नज़ारे देख रहे थे तो कुछ पल के लिए हम अपनी सारी थकान भूल जाते थे। हर हर महादेव। मेरी बाइक आ गई ऊपर। वीडियो कर रहा है? हाँ जी। चैनल आपका? एक छोटा सा चैनल स्टार्ट किया है। गुड। छोटे इन ये देखिए, छोटे इंसान भी छोटा, हम भी छोटे छोटे हैं। आप लोग जाके आ रहे? नहीं 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 जा रहा, चल रहा है। ठीक है, आप लोग सारे साथ में? ओके ठीक। हाँ जी हाँ जी। वो कहते हैं ना, मंजिलों से ज़्यादा यादगार तो सफ़र होता है, लेकिन कुछ सफ़र ऐसे भी होते हैं जिनमें कुछ मुसाफिर यादें बन जाते हैं। सफ़र तो उन रास्तों पे फिर से किया जा सकता है, लेकिन वो मुसाफिर फिर कभी दोबारा नहीं मिलते। बस इस पेड़ के पीछे है गणेश पार्क। वी आर ऑलमोस्ट देयर। और 3.5 घंटे के ट्रैक के बाद और एक खूबसूरत नज़ारे देखते देखते हम अपनी मंजिल के और करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन गणेश पार्क से थोड़ा नीचे बैठकर हम सनसेट देखते हैं, जो पूरे दिन का सबसे खूबसूरत नज़ारा था। तो हम पानी रिकमेंड किया जाएगा बिल्कुल गणेश पार्क के नीचे सनसेट दिखाना बेस्ट है। सनसेट दिखाएंगे आपको भी आराम से आराम से। गाइस हम पहुंच चुके हैं सही सलामत गणेश पार्क। इनको तो याद होंगे आप रैपर। और गणेश पार्क पहुंचने के बाद हम सबसे पहले टेंट पिच करते हैं, बट अब गणेश पार्क में गवर्नमेंट लैंड में टेंट पिच करना अलाउड नहीं है। स्पेशल थैंक्स टू माय फ्रेंड अविंदर, जिन्होंने हमें अपनी प्राइवेट लैंड में टेंट पिच करने के लिए परमिशन दिया, एंड थैंक यू सो मच। और उसके बाद सारे डिनर करके रेस्ट करना ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग सबको निकलना है कैलाश दर्शन के लिए। सो आगे की जर्नी के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। सी यू गाइस टुमारो।